रणवीर लव्स दीपिका, एवरीबॉडी लव्स दीपिका। तो भाई नेटफ्लिक्स एंड जियो सिनेमा पे 10वीं मूवी रिलीज हुई है। आई मीन मूवी का नाम 10वीं है। तो ये जो फिल्म जो है वो ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। जी हाँ, ये फिल्म एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है, हमारे हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला पर, जो कि एक स्कैम के चक्कर में तिहाड़ जेल गए थे। वहां से उन्होंने 10वीं पास की थी, वो भी तब जब उनकी एज काफी ज्यादा हो गई थी। सही है बॉस, जिधर तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो भैया उसी स्टोरी को प्रेजेंट किया है प्रेजेंट के हिसाब से, मतलब आज के तौर तरीकों के हिसाब से। तो स्टोरी है गंगाराम चौधरी की, जो कि सीएम है, लेकिन अब वो जेल में है तो पावर मिल जाती है उनकी बीवी को। अब पत्नी सत्ता संभालती है और पति 10वीं की तैयारी करता है, और इस बीच में हमें काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं, वो भी कॉमिक सटायर के साथ, जो कि काफी जगह पर सही लगता है और काफी जगह पर फीका सा लगता है। फिल्म 2 घंटे की है और शुरुआत से ही एक कॉन्स्टेंट पेस पर चलती है, मतलब कहीं पे ज्यादा फास्ट या स्लो नहीं होती। अब खास बात यह है कि इसमें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को पॉलिटिक्स के साथ जोड़कर दिखाया है और बताया गया है कि कैसे एजुकेशन किसी को भी इंसान को बदल सकती है, मतलब पॉजिटिव वे में कैसे बदल सकती है। अब फिल्म में सभी एक्टर्स ने बाजी मारी है। अभिषेक बच्चन ने एक हरियाणवी जाट के रोल को बखूबी निभाया है, और सच में ये कहना पड़ेगा कि अभिषेक बच्चन की एक्टिंग ये तो सच में इम्प्रूव हुई है या मुझे पसंद आ रही है, आई डोंट नो, बट उनकी वाइफ की एक्टिंग करने वाली निम्रत कौर ने भी काफी तारीफें बटोरी है। मतलब कमाल काम किया है, कैसे एक सीधी साधी सहमी सी पत्नी जो कि घर का काम काज करती है और सत्ता की पावर में आते ही क्या एटीट्यूड और चमक बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, जबरदस्त। देखो फिल्म बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक हंसाती है, मतलब एक स्माइल बनी रहेगी पूरी मूवी के दौरान। तो इसमें हल्का फुल्का ड्रामा है और कंप्लीट फैमिली मूवी है जो कि सिंपली समझ आ जाती है, मतलब ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के गानों की। एक स्टोरी की तरह गाने चलते हैं बैकग्राउंड में, जैसे चलते रहते हैं मस्त जज्बा सा बनता रहता है, मतलब गानों के साथ साथ स्टोरी के सीन्स चलते हैं, तो डोंट स्किप द सॉन्ग। प्रॉब्लम ये है कि मूवी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, भाई ट्रेलर देखने से ही समझ आ जाएगी कि स्टोरी क्या है। बट ओवरऑल बात करूं तो वन टाइम वॉच के लिए या फैमिली वॉच के लिए एक फील गुड मूवी है, जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाएगी, वो भी हंसी मजाक के साथ साथ। तो भाई तुमने वो मूवी कैसी लगी मैंने कमेंट में बता दिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। 10वीं।